सासो किटी नाम से एक वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पर, वो भी हिंदी में, जिसका हर एपिसोड 30 से 35 मिनट का है। क्या है खास ये वेब सीरीज में और आपको देखनी चाहिए कि नहीं, आइए बताता हूँ। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं तेरा मेरा रिव्यू चैनल। एक्सो किटी उन्होंने बनाई है जिन्होंने टू ऑल द बॉयज प्लीज स्टिल आई लव यू सीरीज बनाई थी। यहाँ तक कि एक्सो किटी नाम की जो उस वेब सीरीज में छोटी सी लड़की दिखाई गई है, अब वो हो चुकी है बड़ी और ये वेब सीरीज उसी के नाम पर है, जो अपनी फीलिंग्स को और अपने बारे में जानना चाहती है। स्टोरी है एक्सो किटी नाम की एक लड़की की, जो एक लड़के से प्यार करती है और वो लड़का रहता है बहुत दूर कोरिया में। अब उससे मिलने के लिए किटी एडमिशन लेती है कोरिया के उसी स्कूल में जिसमें उसका बॉयफ्रेंड पढ़ रहा होता है। किटी को मिल जाता है एडमिशन और वो अपने मॉम डैड को अपनी फीलिंग समझाकर चल पड़ती है अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज करने। पर जैसे ही वो उससे मिलती है हो जाती है गड़बड़। अब वो गड़बड़ क्या होती है वो जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। पर इस सीरीज के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न है जिसकी वजह से आपका ध्यान ये वेब सीरीज खींच कर रखेगी। सीरीज में दिखाई गई जगहें बहुत खूबसूरत है, चाहे वो उनका स्कूल हो या आउटडोर शूट हो, वो बहुत खूबसूरत है। सीरीज में किटी का रोल प्ले करने वाली एक्टर कमाल की है और वो लोगों के मैचेस भी बनाती है। काश मेरा भी कोई बना देता। किटी का करेक्टर बहुत ज्यादा क्यूट दिखाया गया है, जिसे अपने बारे में तो जानना है पर इसी खोज में वो बहुत कुछ जान जाती है। इसी सीरीज के अंदर क्यूट सी लव स्टोरीज दिखाई गई हैं और प्यार का मतलब सिखाया गया है कि फीलिंग कभी भी किसी के लिए भी आ सकती है। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा और लिटिल बिट थ्रिल जैसी वेब सीरीज पसंद आती है तो डेफिनेटली ये वेब सीरीज भी पसंद आएगी। सीरीज के एपिसोड छोटे होने की वजह से स्टोरी तेजी से चलती है, जो कि एक अच्छी बात है। ऑल ओवर सीरीज काफी अच्छी है और आपको एक बार तो इसे देखनी चाहिए। सीरीज के अंदर कुछ किसी सीन दिखाए हैं, कुछ नहीं कह लो थोड़े ज्यादा ही किसी सीन दिखाए हैं, तो अपने हिसाब से देख लेना कब और किसके साथ देखना है। बाकी मैं सीरीज को देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।